नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और व्यस्त होंगे और मेरी वीडियो देखकर व्यस्त होंगे। मेरा नाम सुरेश चंद और मेरे चैनल का नाम है यूके पहाड़ी ब्लॉग्स। ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट है, वो चल रहा है, देखते हैं थोड़ी देर जाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से होने वाला है और थोड़ा बहुत जितना भी हमसे कैप्चर हो सकता है उतना करेंगे और चलते हैं वहाँ पर। तो अभी चल रहे हैं हम जीने और देखते कहाँ होता है। और आज का जो है प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है, काफ़ी चीज़ यहाँ है अभी। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कैप टोपी और यहाँ पे लोग लेते हुए इस चीज़ को, इसका आनंद। तो उत्तराखंड की हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ राम भगवान जी की स्थापना कर दी गई है और यहाँ जो भगवती की गई है अभी। और यहाँ काफ़ी देख रहे हैं अभी जो प्रोग्राम चल ही रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। सारा कुछ यहाँ पर कैप्चर किया जाए, सब कुछ दिखाया जाए, इस प्रकार से आप लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी राम लाइक बहुत चल रहा है। आप अयोध्या में जाकर दशरथ को यह शुभ समाचार। उम्र में बड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और जो साथी लोग हैं उनको शुभ मिलन, और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। रामलीला मंचन का छोटा सा प्रसंग देखना हुआ आपके साथ बैठकर, और शानदार जिस तरह से अभिनय तो बहुत जगह देखा है, आप लोग एग्री करेंगे, लेकिन अभिनय राग स्वर के साथ डायलॉग्स के साथ भी देखे होंगे और अभिनय भी देखे होंगे। अभिनय भी शानदार था, डायलॉग्स भी शानदार रहे हैं और कई जगहों पर रहते हैं, लेकिन राग स्वर में इतने शानदार तरीके से रामलीला का मंचन के लिए आप सबको, मैं कहता हूँ रुद्रवीणा संस्था को बहुत बहुत इस मामले में नायाब तरीके से एक अलग यूनिक अंदाज में पेश करने के लिए शायद आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ बैठकर, जबकि वो रामायण का वो प्रसंग है जिसको शायद बच्चे या हमारे जो भी लोग हों इतने रोचक अंदाज में या इंटरेस्ट से नहीं देखना चाहते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं रामायण में जो सीखने के हिसाब से और बहुत अच्छे से देखने के हिसाब से, लेकिन कैकेयी वाला गोप भवन वाला एपिसोड जो है उसको भी इतने शानदार तरीके से प्रस्तुति और रोचक बनाना, वो आपका काबिल तारीफ है। बचपन में जो रामलीला देखने जाने का जो आज वो यहाँ पर आके रुद्रवीणा संस्था के इस अभिनय को देखकर, और बीच बीच में जहाँ भी जाकर देखना हुआ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इतना शानदार अभिनय, इतना शानदार प्रस्तुतिकरण नहीं है। और रुद्रवीणा संस्था और आप जैसे इस तरह के इनिशिएटिव का समाज को और ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए, आभारी रहना चाहिए, इस सेंस में कि यह जो हम उत्तराखंड और हम राजस्थान और काफ़ी ऐसी सारी जगह हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत के कारण संस्कारों को पल्लवित किया है, सिंचित किया है, उसे आप आगे बढ़ाकर अगर आप लोगों के बीच में, खासतौर से मुझे लगता है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पीढ़ी रामायण और महाभारत को बहुत अच्छे से जान रही है, जिसमें हम रामायण में मर्यादा को देख सीख रहे हैं और महाभारत से कूटनीति और सकारात्मक रणनीति सीख रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने इन सब वेद और इन सब के जरिए
ईश्वर के रूप में जिस तरह से प्रसंग रखे हैं और जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं, वो हमें ना केवल भक्ति और संस्कारों को दे रहे हैं, बल्कि एक अपने आप में जीवन का दर्पण है, जो अगर कोई देखना चाहे तो सारा विश्व भी जो हमारे देश की तरफ अभी देखने लगा है, वो इन सब कारणों से ही देखने लगा है। इस रूप में मैं रुद्र, जो आपकी वीणा संस्था है, इसको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और हम सब लोगों को इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए एक बार। और मैं इतना कह पाने का हकदार इसलिए हूँ क्योंकि उत्तराखंड के लोग और राजस्थान के लोगों में बहुत समानता होती है। मैं राजस्थान से आता हूँ, हम लोगों में भक्ति भावना और बच्चों में संस्कार पिरोने की भावना और सबसे बड़ी बात बड़ों के प्रति जो सम्मान की भावना है, वो आपको उत्तराखंड और राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस समानता में हम लोग एक दो कदम आपसे और पीछे हैं। हमारे पास आपको भक्ति भी देखने को मिलेगी, संस्कार भी देखने को मिलेगी जो आ रहा होता है, लेकिन हम लोग दो मामलों में आपसे पीछे हैं। हमारे पास पानी नहीं आ रहा होता है और वो भी गंगा जल नहीं आ रहा होता है। तो गंगा की पवित्रता आपके पास है, आपके पास हरियाली है। हम लोग पूरी ताकत लगाते रहते हैं हरियाली लाने की। आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझा कीजिए और अपने आप को बहुत ईश्वर का आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप सब लोग उत्तराखंड में पैदा हुए हैं और उत्तराखंड का होना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है इस पूरे हमारे देश की धरातल में। इस रूप में आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों के बीच में जो भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेकर जाने की आकांक्षा के साथ यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आग्रह करूँगा श्री सिद्धपाल जी से दो साल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में। सीधा इस प्रोग्राम पे जा रहे हैं। थैंक यू सर, आप सब। अरे गंगा तो नीर हो, सर झुको नीर, क्या लगे मैया हमका, क्या लगे मैया हमका, yeah।
Thank you.
बात है जी, हमारे बीच में रावण जी आप पधार गए, क्या बात है आपकी, तो मुच्छों से ही डर लग रहा है, बाकी तो आप क्या करके इस बार स्टेज हिलाने वाले को, इस बार क्या करने वाले सर, आप बताइए जरा इस बार। नहीं नहीं, अभी आप थोड़े लेट हो गए, एक जो मेन सीन था जब रावण का आभास होता है कि विष्णु ने अवतार ले लिया, वो मैं अभी करके आ गया, और उसके बाद एक लास्ट रावण अंदर, क्योंकि एक दिन चार घंटे की सर चीज काट के, तब भी बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, तो ऐसे ही करते हैं, दिखाते रहे और पब्लिक अदाकारी से सबको जगमाते हैं। आज जय श्री राम का हो गया, जय शंकर बोलो सर एक बार, जय शंकर, ये बात है, जय शंकर।